स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हुड्डा द्वारा दलितों और महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाना उजागर हुआ है, जिस पर महिला आयोग ने ठीक संज्ञान लिया है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये जवाब भूपेंद्र सिंह की वायरल हो रही एक वीडियो, जिसमें वो दलितों और महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवा रहे हैं, के प्रश्न का जवाब देते हुए दिया है। 75% नौकरियों में आरक्षण के मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाउस ने पास किया है, महामहिम ने इस पर अपनी मोहर लगाई है, कोर्ट में तो कोई भी चैलेंज कर सकता है। वहीं उन्होंने अंबाला में नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़े जाने पर कहा कि वो तो पुरानी है। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें एक ट्रैक्टर पर हुड्डा और अन्य नेता बैठे थे, जिन्हें कुछ लोग खींच रहे थे। है कुछ ना कुछ, सब इंतजार करिए। वायरल हो रही है जिससे महिला एमएलए ट्रैक्टर खींच रही है, उसका संज्ञान नेशनल वुमेन कमीशन ने ले लिया है। वो कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कंप्लेंट आएगी तो कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, ये जो राजशाही मानसिकता है हुड्डा साहब की कि दलितों से और महिलाओं से अपने रथ को खिंचवाना, ये उजागर हुई है और महिला आयोग ने बहुत ठीक संज्ञान लिया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सब कलम बाला में नकली दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई है, उस पर कोई कार्रवाई है? अब नकली दवाई की फैक्ट्री गई पकड़ी गई अम्बाला में, तो कल उसको कार्रवाई हुई है अभी तक? नहीं, वो तो पुरानी सर। पुलिस सुधार को लेकर कई सुझाव आपने दिए गए थे इस बजट में। आपने कहा कि दिल थाम के बैठिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है, वो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार करना है, ताकत बढ़ानी है आपको, उसको लेकर भी उम्मीद करें? वो हम कर रहे हैं, उसके वो जहाँ जरूरत पड़ती है हम करते हैं उसके लिए। नहीं, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। चौपर का प्रस्ताव डिपार्टमेंट से आया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। बिशप, एक 75% कोटे को लेके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है वो इफेक्ट होगी और जो हमने बाहर से लेबर मंगा ली है वो हमें अलाउ किया जाए, तो क्या कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, कोर्ट के फैसले के ऊपर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन सर, 75% कोटा आपकी तरफ से अप्रूवल है, आपको क्या लगता है? अमेंडमेंट ऑन हाउस ने पास किया, तो क्या आपको लगता है? बकायदा महामहिम महोदय ने अपनी मोहर लगाई है उसके ऊपर। अब कोई भी व्यक्ति अगर उसको चैलेंज करता है तो कोर्ट तो फ्री है हिंदुस्तान में। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।